हे गाइस, यू आर वेलकम ऑन द टेकी जोन। यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ टेक से रिलेटेड। आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं बताऊँ आपको हीलियो G85 के बारे में, जो आपको देखने को मिलेगा रेडमी 10X या रेडमी नोट 9, जिसका ग्लोबल इवेंट जल्दी होने वाला है जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा। और ग्लोबल इवेंट अभी स्टार्ट भी हो चुका है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं इस प्रोसेसर के बारे में, तो ये आपको 12 नैनोमीटर देखने को मिलेगा, जैसे कि G80 और G90T देखने को मिले थे। और ये आपको G80 और G90T के जो बीच का प्रोसेसर होगा वो देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको 12 नैनोमीटर की जो फैब्रिकेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो SoC पर बेस्ड होगी। और इसके अंदर जो आपको क्लॉक स्पीड होगी वो G80 की इंक्रीज क्लॉक स्पीड के साथ देखने को मिल सकता है, जिसके साथ आपको कॉर्टेक्स A76 की परफॉर्मेंस जो बेस है, और या फिर A75 के साथ आपको ओवरक्लॉक की स्पीड देखने को मिल सकती है फॉर बेटर एंड कन्वीनियंट ऑप्शन ऑफ MediaTek। ये कुछ इसके ये फीचर होंगे। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात करते हैं यहाँ पे CPU की, तो उससे पहले बता दूं कि MediaTek की जो G सीरीज़ है उसके अंदर ये इनका मिड रेंज प्रोसेसर होगा, जो G80 और G90T के बीच का प्रोसेसर आने वाला है, हीलियो G85। और हो सकता है ये 5G चिपसेट भी हो सकता है, लेकिन इतने चांसेस नहीं है इसके कि ये 5G हो, क्योंकि ये एक मिड रेंज प्रोसेसर होगा। और CPU की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर 2 Cortex A75 परफॉर्मेंस 2 GHz पे, और 6 Cortex A55 जो कोर्स होंगे वो 1.8 GHz पे, जो G80 के अंदर देखने को मिले थे। और G90T में Cortex के 2A76 2.5 GHz पे और 6A55 वाले 2 GHz पे। लेकिन अगर G85 की बात करें तो ये आपको इन दोनों के मिड रेंज के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसमें ज़्यादा चांसेस है कि अपने प्रीवियस वर्जन हीलियो G80 के सेम देखने को मिले, क्योंकि G90T का जो CPU था वो काफ़ी लो था, और ये आपको G80 के CPU के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं यहाँ पे GPU की, तो GPU के अंदर हीलियो G85 के अंदर डेफिनेटली माली G52 MC2 GPU देखने को मिलेगा, जो यूज्ड है हीलियो G80 के अंदर। और जो G90T था, जिसका माली G76 MC4 GPU था, वो काफ़ी लो था, इसीलिए हो सकता है उसे यूज़ ना किया जाए हीलियो G85 के अंदर। तो यही मेरा था कि मैं आपको बता दूं कि आपको हीलियो G80 और G80T के अंदर क्या फ़र्क देखने को मिलेगा, और G85 जो अभी आने वाला है। होप करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या नहीं होने वाले हैं। गेमिंग के लिए काफ़ी बूस्टेबल होगा, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक जो प्रोसेसर की लाइनअप है जी सीरीज, उसी के अंदर। और आपको किस लिए आगे की वीडियो किस टाइप पे किस टॉपिक पे चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे कमेंट में बता देना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और अगर कोई जस्ट प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड बाय।